विदर्भ के पंडरी कहे जाने वाले शेगांव में आषाढ़ी एकादशी का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जो भक्त पंडरपुर नहीं जा सकते वे संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव में उमड़ पड़ते हैं। आज आषाढ़ी एकादशी होने के कारण भक्त शेगांव की ओर रुख कर रहे हैं और शेगांव शहर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आज शेगांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे हरिनाम की ध्वनि पर श्री की पालकी नगर परिक्रमा के लिए प्रस्थान करेगी। उसके बाद आषाढ़ी एकादशी यात्रा महोत्सव का समापन होगा। पंडरपुर में शेगांव संस्थान की शाखाओं में भी आषाढ़ी एकादशी मनाई जा रही है। संत नगर में श्री भक्त तीर्थ यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। यह संत नगरी हरिनाम और गजानन महाराज के जयकारों से गूंज रही है। भक्तों ने जवाब दिया कि वे आज दर्शन के लिए शेगांव में आए हैं क्योंकि वे पंढरपुर नहीं जा सके। नमस्कार, मी अभय कडूकर अमरावतीवरून आलो आहे। दरवर्षी पंढरपुराला जाण्याचा अशी इच्छा असते, परंतु विदर्भाची पंढरी म्हणून गजानन महाराजचं मंदिर हे प्रसिद्ध आहे, त्याच्यामुळे मी दरवर्षी आषाढी एकादशीला या आपल्या गुरुमाऊलींच्या चरणी आमचं कृतज्ञता एक व्यक्त व्हावं म्हणून या ठिकाणी दर्शन आलं। आषाढीनिमित्त पंढरपूरला जाण्यासाठी ही करणार होतो, परंतु आम्हाला प्रति पंढरपूर गजानन महाराजांचं इथे आम्ही आलो, खूप चांगलं वाटलं इथे, आणि आम्ही रत्नागिरीत आलो कोकणातून। दरवर्षी येतो आम्ही, आणि ह्यावर्षी आषाढीचा मुहूर्त पकडून आम्ही इथे आलो आहे। साकडं घातलं आणि साकडं असं घातलंय की सगळ्यांनी बळीराजा सुखी होऊन दे, सगळ्यांना सुखशांती लाभू दे, एवढंच हे केलं। आणि खरंच इथे मस्त वाटतं इथे आल्यावर गजानन महाराजांची सगळी स्वच्छता वगैरे, आणि खूप भारी वाटलं इथे। रे विठ्ठला पंढरीच्या पाटला, विठ्ठल रे विठ्ठला पंढरीच्या पाटला, सोहळा तो दाटला पंढरी, सोहळा तो दाटला पंढरी। मला संदीप पेटकर, मी नागपूरहून आलेली आहे आणि आमचं पंढरीला जाणं नाही झालं, म्हणून इथे आम्ही प्रति दर घेण्यासाठी आलो। आणि आमचं जे साखळ होतं ते आमचं सगळं पूर्ण झालं, इथे येल्याने सगळं नेहमी पूर्ण होते। NBC News के लिए शेगांव से संवाददाता की रिपोर्ट।